ये देखो हिमांशु बंदर की तरह पीछे लटका हुआ। गिर मत जाना हिमांशु, पकड़ के रख। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज था मेरा एग्जाम और मैंने सारा एग्जाम सही दिया। तो पापा से पूछो अब क्या मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा। तेरा एग्जाम तो तेरे को पता होना चाहिए। अच्छा ही गया मेरा तो 100 मार्क्स के आया हूं। बढ़िया है। और व्लॉग ऐसे, हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज था मेरा एग्जाम ऐसे। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होगे। तो अभी आज है ट्यूसडे और आज है 1 अप्रैल। और एक्चुअल में आज से आ रहे के ना फाइनल एग्जाम शुरू हो गए, तो उसी के बारे में ना और एक्साइटेड था। तो व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे को स्टार्ट करने दो। तो बस स्टार्ट करते ही सीधा, आज मेरे एग्जाम थे, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। पर बाकी आप पापा से पूछो, अब पापा क्या बताएंगे भी कैसा हुआ एग्जाम। एग्जाम तो तू दे के आया जमूरा। आ रहा है बस, अभी अभी एग्जाम दे के आया है। टाइम 11:15 बज गए हैं। आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था तेरा? इंग्लिश। इंग्लिश का कल? मैथ्स। कल तो नहीं, परसों है। कल छुट्टी है। चल ठीक, बढ़िया से तैयारी कर लेना। आज ट्यूशन कितने बजे जाएगा? 3:30। चल तो गाइस आ रहा है को ना, अभी एग्जाम है, एग्जाम के दिन में ना ट्यूशन का टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। 2 hours later। तो गाइस टाइम 2:00 PM हैं और आ रहा, देखो आज बहुत दिन बाद मैंने देखा है कि आ रहा टीवी पे कार्टून देख रहा है। तो गाइस आ रहा कार्टून आज इसीलिए देख रहा है क्योंकि हमारे वाईफाई पे ना इंटरनेट का इंटरनेट ही नहीं चल रहा। कल से दिक्कत दे रहा है वो, कल दोपहर से। तो इसी चक्कर में आज इसका यूट्यूब चल नहीं रहा और यूट्यूब पे अपनी वीडियो देखे कैसे। अब हार के इसको लगाना पड़ा ये कार्टून। तो वो ना कल से दिक्कत दे रहा है वाईफाई, उसके लिए मैंने कल कंप्लेंट करी थी कस्टमर केयर पे। कल तो उन्होंने रात को ठीक कर दिया था, पर आज फिर से वही दिक्कत आने लग गई। तो उन्होंने कंप्लेंट नोट कर दी। वो कह रहे थे कि 4 से 6 घंटे में आपके लोकल से ही कोई आ जाएगा ठीक करने के लिए। तो अभी खैर उनका वेट कर रहे हैं। तो बिना वाईफाई के काफ़ी दिक्कत हो रही है। नहीं मेरी बात सुन, अभी 3 बजे हैं, 4 बजे है तेरा ट्यूशन का टाइम, वापिस आ जा। 3 बजे तैयार हो जाता है ट्यूशन के लिए, देखना। A few minutes later। तो गाइस देखना, आधा घंटा बड़ी मुश्किल से बैठा है और 3:30 बजे तैयार। लॉक लगा हुआ, रुक जा। तो गाइस अभी फिलहाल ना आ रहा है को ट्यूशन छोड़ के आता हूँ। पहले तो चला जाता है आ रहा, पर अब ना गर्मी आ गई ना, बाहर गली में कोई नहीं होता, बिल्कुल सुनी गली होती है। तो सेफ्टी के लिए ना इसको छोड़ के आया करेंगे आज से ना। तो गाइस आ रहा है को ट्यूशन तो छोड़ आया मैं, और तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ वो अंकल का जो वाईफाई ठीक करने आएंगे ना। A few moments later। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम शाम के 5 बजने वाले हैं और वो अंकल ना घर पे नहीं आए वाईफाई ठीक करने वाले। एक्चुअल में जो दिक्कत थी ना वो उससे थी, टावर से। तो उनका फ़ोन आ गया था, वो बोल रहे थे कि टावर से ना तार काट दी थी गिलहरी ने, उसी की वजह से ना इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो कह रहे थे कि वो फॉल्ट सही कर दिया। तो खैर उसके बाद से ना सही चल रहा है इंटरनेट। तो अभी फ़िलहाल आ रहा ना कई दिन से पीछे पड़ा हुआ कि मेरी साइकिल पे ना वो लगवा दो घंटी सी, लाइट सी। तो मैंने उसको कल से ऐसे मना कर रहा हूँ मैं कई दिन से। तो आज सोच रहा हूँ कि उसको ना सरप्राइज़ दे देते हैं, ला के ना उसके साइकिल पे लगा देते हैं, और जब वो देखेगा एकदम से फिर उसका रिएक्शन देखेंगे। और एक मैंने लंच भी नहीं करा तो मेरे को भूख लग रही है, तो कुछ खाने को भी ले आएंगे। मीनू मैं चलिया मार्केट, एक तो काका कई दिनों का कही जाता ना मैंने लाइट लै दो लाइट लै दो, मैं उन्होंने कल का मना करी ना, तो अज उन्होंने सरप्राइज़ देने हैं, उन्हें लिया के उन्हें साइकिल तो ला देंगे। और बेल्ट ही है नाले, चार्जिंग वाली है, इन्हू समझा देंगे ना जो स्कूल जाया करूंगा, ला के बैग च पा लिया करूंगा। नाले उन्होंने लिया नाले, मैं समोसे लेने चलिया वास्ते, कुछ खाना कहना कचोरी। चलो ठीक है। तो गाइस मैं तो जा रहा था अपने लिए लेने, मैंने कहा चलो मीनू से पूछ ही लो कि अगर वो खाते हैं तो ले आऊंगा उनके लिए, और ये तो हमेशा तैयार ही रहते हैं खाने के लिए। तो चलो चलते हैं ले आते हैं।
और लाइट दिखाइयो साइकिल ते लाने वास्ते। तो गाइस आ रहा है कि लाइट तो ले ली, अब चलते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और घर चलते हैं। तो गाइस आ रहे हैं कि ये लाइट तो ले आया मैं, तो अब इसको ना फिट करते हैं आ रहा है कि साइकिल पे। तो गाइस आ रहा है कि साइकिल पे लाइट फिट कर दी, कुछ ऐसे लग रही है ये, और हॉर्न इसका ये रहा, इस हाथ पे दे दिया। जैसे जैसे आ रहा कहेगा इस साइड पे लगाना तो इस साइड पे लगा देंगे, पर ये लग तो खैर सुंदर रही है। अभी आ रहा आएगा तो उसका रिएक्शन देखेंगे। आ गया, समोसा खाएगा, लेके आया तेरे लिए समोसा। मैंने तो बैडमिंटन खेल के आया हूँ। कहाँ पे? मैन के घर पे। तब समोसा नहीं खाता? खाऊंगा। रुक जा, डाल के देता हूँ तेरे को। तो गाइस देखना, मम्मी और चने निकाल रहे हैं। बेच बचाले बैठ गए तुसी। तो गाइस देखना सामने लगी हुई, उसको पता ही नहीं चला मैंने जगाई बजाया इसको, तब पता चला। अरे आपने लगाई है क्या घर लाके इसकी लाइट? तो घर लाके लगाई है, बेल्टें ही तो है उसके ऊपर। ये देख इस पे बेल्टें लगी हुई है, और ये ना हो कि तू कहीं फ्रेंड के घर जाए और तू इसको बाहर छोड़ दे, तो कोई भी ना इसको ऐसे खोल के ले जाएगा, इधर से भी बेल्ट निकल जाती है ऐसे। समोसा तो खा ले पहले यार, मेरे को देख गेड़ी गेड़ी मारी है। बस अब इसको कुछ नहीं दिखेगा, अब तो इसको साइकिल पे गेड़ी दिखेगी। तो गाइस आ रहा तो बस लाइट देखते ही साइकिल पे, और ले गया साइकिल बाहर, वो आ गया पीछे। अब तेरी ये निशानी होगी तेरे हॉर्न की। हाँ आज पार्क की कैसे याद आ गई तेरे को? सिंधी पार्क ही चल रहे हैं, चल चलते। तो गाइस फिलहाल जा रहे हैं यहाँ सिंधी पार्क, आ रहा कई दिन बाद आर्या ने बोला है कि पार्क लेके चलो मेरे को, तो इसको लेके चलते हैं। तो गाइस फिलहाल आर्या को पार्क लेके आया हूँ, यहाँ आर्या के काफ़ी फ्रेंड्स खेल रहे हैं, पर ये खेलता है उनके साथ के नहीं खेलता अब यही जाने, मेरे को तो लगता है साइकिल चलाने के लिए ही आया यहाँ ये। ये कौन है, ये पतलू सा कौन है? हेलो। ये देखना ये उतना सही घूमे जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, तेरा क्या नाम है? गौरव। आपका क्या नाम है? तनीश। तेरे ट्यूशन से है? तो ये आई मानशु आ रहा है। ओवर एक्टिंग करता है। ये देखो हिमांशु बंदर की तरह पीछे लटका हुआ। गिर मत जाना हिमांशु, पकड़ के रख। गाइस देखना आ रहा कि ये नहीं लेके आए थे लाइट, और इसकी तार ही कोई खींच के तोड़ गया लड़का, भोला सा है वो। तेरे को ध्यान रखना चाहिए था, पहले तो मैंने उसको पकाया है, वो मोड़ रहा था इसको ऐसे, मैंने भगाया उसको। अब मेरा ध्यान, मेरे पास फोन आ गया, कोई मेरा फोन की तरफ ध्यान हो गया, और वो पता नहीं चला कब तोड़ के चला गया। तो गाइस जैसे ही खड़ी की साइकिल की तार तोड़ के चला गया वो लड़का, देखना। चले हिमांशु अपने साथ चल रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल जा रहे हैं घर, साइकिल छोड़ा फिर चलना। तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं? हाँ साइकिल छोड़ा फिर, यही है कोई बात। अरे वो पता की है, वो बच्चा जमा भोला जा गया, वो पहले ना एवं इनू मरूड़ ही जाता सी, इनू एवं करके, तो मैं वेख लिया
मैं उन्होंने लड़ के भजाता, तो फिर वो जो माली से फिर तो होंगे ना वो आ गया, वो कहता वो बच्चा बोला है, कहता उसको क्या कहें अब, तो फिर तेरा फोन आया, मैं तेरे फोन के चक्कर च लग गया, ये झूले से बैठे थे, वह पता ही नहीं आया कदों तार खिंच के टप गया, फिर पता नहीं लगा, वो कहते ऐ करता वो बोला है उन्होंने, हूँ कह कह भी की कोई नहीं, तार जुड़ा लिया सवेरे मैं। अभी ये देखो आ रहा और हिमांशु लगे क्रिकेट खेलने। 2000 years later. अब चीज ले आए दोनों तुम? अच्छा भी मेरे जोत करते तो तुम चीज भी ले आए हैं दोनों जने। वाह अब नहीं, अब क्या कह रहे थे तुम? तूने घर जाना है? अभी तो टाइम काफी हो गया लड्डे, चल देखते हैं। तो गाइस हिमांशु को जाना है घर, अकेले के जाएगा? चल फिर चल। तो गाइस हिमांशु के घर पहुंच गए। आ रहे हो? मेरी बात सुन ले, अब तो यहीं रुक रहे हैं क्या? जब आना हो मेरे को फोन करा देना, मैं ले जाऊंगा तेरे को, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस अभी फिलहाल आ रहा तो गया हिमांशु के घर, अब वहां घंटा भर खेलेगा वो थोड़ी देर में घूमने आएंगे, वो सारे घूमने आते हैं हिमांशु, हिमांशु के पापा और उसकी मम्मी, तो आर्या को यहाँ छोड़ जाएंगे घर के पास तक। तो अभी का सब ब्लॉग करने को तो कुछ है नहीं, मीनू और तंदूर पे रोटियाँ लगा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आर्या उधर है और मैं अपना मंत्रजाप पे बैठ रहा हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं गाइस, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.